बाकी तो भाई बहुत सेक्सी लग रही है एवरेस्ट की सीट जो ज़्यादा बहुत ही जल्द ना हम लोग एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं। ये देखो ये आपको दिख भी रहा होगा बताया पूरी धूल ही धूल वैसी की वैसी है और दे धूप में खड़ी कर दूँ क्या। अरे गाड़ी इतनी बेकार रहते हैं यार यहाँ के। और यार जितना ही आसान लगता है ना मतलब अभी मुझे लगभग 15-20 मिनट ही हो रहे हैं इसे देखते हुए और अभी से पता चल गया भाई ये बहुत ज़्यादा टफ है। ये देखो भाई गाड़ी ये वाली आउट ऑफ फ्यूम निकल गई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहावाड, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड यस देखो यार हमारे व्लॉग को ना एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो देखो अभी लगभग ना सुबह के 9 बज रखे हैं और मैं सुबह सुबह मार्केट आ चुका हूँ क्योंकि आज यार हम लोग ना ड्यूक में कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कुछ रैप वगैरह कर लें करके यार बहुत ही जल्द ना हम लोग एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यार वहाँ ना जहाँ भी हम लोग जाएंगे वहाँ पे भाई हमारी गाड़ी ना भी प्रोटेक्टेड रह जाएगी। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ चंपावत क्योंकि मैंने वहाँ अपने एक फ्रेंड से बात कर रखी है, वो भाई रैप करता है। 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और वो बता रहा था कि भाई टाइम भी बहुत लगता है ना वो सब होने में क्योंकि पैनल वगैरह में भी खुलेंगे। पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बिना पैनल खोले ही सब हो जाए, बट अगर नहीं होगा तो फिर तो पैनल वगैरह खोलने पड़ेंगे ना। हमारी जो ट्रिप होने वाली है ना लगभग 15-20 दिन की वो ट्रिप है, वो भी भाई ठंडी जगह ही होने वाली है। सो यस भाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट ट्रिप। और उसी की एक्साइटमेंट में भाई देखो बाइक वगैरह में बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं, और भी चीज़ें करनी है यार मैंने इसमें ना, क्रैश गार्ड वगैरह, फोक्स लाइडर, ये सारी चीज़ें मंगाई हैं बट वो अभी तक पहुँची नहीं है। एक से तो बहुत टाइम लगता है ना यहाँ पहुँचने में। चलो फिर बस अब जल्दी से चंपावत पहुँचते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, थोड़ा सा राइड कर लेते हैं। पता टायर भी ना उतने अच्छे से वार्म अप नहीं हो रखे हैं क्योंकि यार ठंडा इतना हो रहा है। आज जैसे बाइक में हम वो रैप कर रहे हैं ना तो उससे पहले भाई बाइक को ना धुलाना भी पड़ेगा। पिछले संडे की राइड में भाई ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो बहुत कीचड़ कीचड़ वाला भी हो रखा है इसके टायरों में ना, वो सब करवाना है यार आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है। ओके कहाँ पर है भाई धुलाने की जगह, यार सब जगह गाड़ियाँ लगी हैं। देखो इधर पे भी एक गाड़ी लग रखी है, धुल गई है। हाँ हाँ ये देखो ये आपको दिख भी रहा होगा बताया पूरी धूल ही धूल वैसी की वैसी है, खाली टेम्परेरी करा है इन लोगों ने, अच्छे से तो धोई नहीं गाड़ी। और मैं से भाई क्या है कितने गजब से रहा पता नहीं, इसको ऐसा लगा शायद जाते मैं बाहर से आऊँ। ठीक है 100 रुपये बल, मैंने कहा बाप रे 100 रुपये ऐसे बोला, इतने में कहने लग गए कि चलो आप 50 ही दे दो, वैसे तो 100 लेते हैं आप 50 ही दे दो। बिल्कुल वाहियात गाड़ी धोते हैं यार ये लोग ना, तो हाट में सही है भाई गाड़ी हाड़ी धोने के लिए ना लोग, और प्राइस भी बहुत ही अच्छे हैं। ये हैं वो भैया और ये रही यहाँ पे को भाई काम होगा, थोड़ी देर धूप में ही खड़ी कर दूँ क्या। अबे गाड़ी इतनी बेकार धोते हैं यार यहाँ के लोग, देख तो सब वैसी की वैसी हो रही है और 100 रुपये कह रहा है पता। तो देखो यार मैंने चंपावत पहुँच गया हूँ आवेश की दुकान के पास और भाई बाल कितने गंदे हो रखे हैं, बहुत ही गंदे हो रखे हैं। और अब अपनी बाइक का काम शुरू होने वाला है, हमने बाइक अंदर पार्क भी कर दिया है और सब इसने मेजरमेंट भी ले लिया। तो ये देखो सबसे पहले अभी ना टैंक पे पूरी फिल्म चढ़ रही है, उसके बाद फिर इसके साइड पैनल पे चढ़ेगी। और यार जितना ही आसान लगता है ना मतलब अभी मुझे लगभग 15-20 मिनट ही हो रहे हैं इसे देखते हुए और अभी से पता चल गया भाई ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए हर कोई ये करता भी नहीं है। और चंपावत में तो भाई आवेश तू ही करता है क्यों? हाँ फिलहाल तो मैंने इसी को देख रखा है, बाकी और करते हो क्या पता। तो भाई लगभग ना 12:30 हो गया है और अभी एक
टैंक पे हमने पूरा कर दिया और इधर वाले पैनल पे। और अभी देखो इधर से ना हम लोग ये वाली को आउटर फिल्म निकाल रहे हैं, उसके बाद फाइनल लुक दिखेगा। अभी इसमें हल्के से स्पॉट्स दिख रहे होंगे ना यहाँ यहाँ पर को, ये कैसे सही होंगे भाई? नेचुरली धूप से ये नेचुरली होंगे, और थोड़ा सा अभी हम और कोशिश करेंगे। ये देखो भाई गाली, ये वाली आउटर फिल्म निकल गई है और अब हमें यहाँ पर इसका फाइनल लुक दिख रहा है, जो कि बहुत क्लीन लग रहा है। अभी तो देखो चम हो गई है, कैमरे में तो ऐसी चम लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है भाई। अवेश और मैं ऐसे थक गए ना, अवेश तो काम करके थक गया और मैं बैठ बैठ के थक गया, ठीक है। वो बेचारा पहले से लगा ही है और बस हो जाता है, इधर का हो गया, उधर साइड का पैनल बचा है और एक दो पैनल हमारे पास छोटे छोटे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगा, क्यों छोटे भी बहुत बार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। बस ये हो जाते हैं, उसके बाद फिर फाइनल लुक दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो भाई वीडियो में बने रहिए। देखो लगभग ना 3 बजने वाले हैं और अभी तक हमारा काम चल ही रहा है। एक्चुअली बीच में हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए भी चले गए थे ना, तो इस वजह से भी थोड़ा देर होगी, 1 घंटा वहाँ वेस्ट हो गया। और अभी फ़िलहाल हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है ना, एक उधर साइड का पैनल बच रखा है लास्ट। बाकी देखो यार इस तरीके का ये पूरा लुक आ रहा है, ठीक है। और अभी इसमें जितने भी ये बबल आपको दिख रहे होंगे ना, वैसे तो कैमरा में आ नहीं रहे, बट ये जो है सारे धूप में है, मतलब एक बार ये जब सेट हो जाएगी ना, उसके बाद फिर अच्छे से पूरा सेट हो जाएगा, क्यों तो बस भाई हमको तो प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए बेस्ट है भाई। और जल्दी से इसे निपटाते हैं यार, ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, घर से भी फ़ोन वगैरह आने लग गए हैं और वो आवेश भी पूरा थक ही गया है, थक के चूर हो गया क्यों भाई? भाई ओके गाइस, तो यार देखो लगभग ना 5:30 होने को है और मैं बस लोहाघाट पहुँच ही जाता हूँ भाई। बाइक ना इतनी सही लग रही है, इतनी अच्छी साइन आ रही है। अभी मैं ना एक बार यहाँ पे आपको रुक के दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है यार। और बता पूरा ये होने में ना भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा और यार मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इवन आवेज भी बहुत ज़्यादा थक गया था भाई। बहुत ही सही काम हो रखा है, हालाँकि कुछ कुछ जगह पर आप अगर ये बबल्स वगैरह दिख रहे हैं ना, ये बबल्स वगैरह था टाइम के हिसाब से मतलब सही हो जाएंगे। बाकी तो भाई बहुत सेक्सी लग रही है, पता है इसकी सीट जो ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा पुराना पुराना, बाकी ओवरऑल बाइक तो बहुत ही मस्त लग रही है। एक्चुअली जो PPF होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, ये लैमिनेट कह सकते हो कि मैंने इस बाइक को ना पूरा लैमिनेट कर दिया, तो यार ये ना राइड पे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा, बाइक को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो गाइस यार एक ना बहुत ही दिक्कत वाली बात ये हो गई कि मैं भाई अपना ना फ़ोन का चार्जर आवेश की दुकान में भूल के आ गया हूँ और मुझे लोहाघाट पहुँच के याद आ रहा है, वो भी अभी। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार आवेश को भी फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई वहाँ ना चार्जर रह गया करके। देखो यार लोहाघाट भी पहुँच गए हैं भाई, पूरा दिन लग गया आज तो। बाकी देखो लोहाघाट पहुंच गए हैं, अब जल्दी से घर जाते हैं। और यार अभी ना मैंने जिम भी जाना है भाई। देखो 5:30 हो गया और अभी से एक मेरा वहाँ ना इंतज़ार कर रहा है जिम के पास, तो बस जल्दी से निकलते हैं, उसके बाद फिर जिम जाएंगे।